Hi everyone, this is Khalid Javed. Hope you all are doing well. So our topic of today is that PHP programming getting user input. Okay, so basically इस topic में हम जो है एक user input लेंगे. So okay, so मैंने यहाँ पे Atom software open कर लिया अपने पास. So basically हम इसमें करेंगे क्या, हम इसमें हमारा नाम, हमारा नेम एंड उसके साथ हमारी एज प्रिंट करवाएंगे. सो लेट्स सी, उसका सेव करेंगे हम बेसिकली. सो सबसे पहला टैग हम यूज़ करते हैं फॉर्म का. ओके, देन हम इसको क्लोज कर देते हैं. उसके बाद हम फॉर्म के टैग में आके एक्शन, एक्शन में आके हमारे जो फोल्डर, हमारी जो फाइल है उसका नाम साइट डॉट पी एच पी, देन मेथड गेट नेम इनपुट टाइप टेक्स्ट. Name user name. Okay, so हम अपना डेवलपमेंट जो सर्वर है उसे स्टार्ट करते हैं. So php dash capital S local host 8000. PHP development server started. Okay, good. Then coming back to form. अब मैं अगर इसको यहाँ पर ओपन करता हूँ एंड देन मैं इसको लोकल होस्ट, सो अभी ये नेम of this. So name तो आ गया, लेकिन अब नेम को हम यहाँ पे सेव कैसे करेंगे, उसके लिए हमें एक बटन बनाना पड़ेगा जो कि है इनपुट टाइप टाइप सबमिट. ओके, सो बेसिकली हमने यहाँ पे इनपुट यूज़ किया, मींस हम कुछ इनपुट देना चाहते हैं. फिर उसकी टाइप डिफाइन करी टेक्स्ट. ओके, देन हमने उसका यूजर नेम डिफाइन करा. ओके, देन हमने टेक्स्ट में नेम, व्हाट विल बी द नेम ऑफ द टेक्स्ट, यूजर नेम. ओके, देन हमने यहाँ पर आके एक्शन फॉर्म का एक टैग यूज़ किया. फिर उसमें एक्शन मींस व्हाट एक्शन इज रिक्वायर्ड. देन हमने उसमें आके एक साइट का नाम बताया, विच इज साइट डॉट पी एच पी. हमने हमारे फाइल का नाम बताया उस, और उसका मेथड क्या हुआ, गेट. सो इसके दो मेथड्स होते हैं, अगर मैं दिखाऊं करके दोबारा से, मेथड गेट पोस्ट. सो गेट बिकॉज हमें भी चाहिए, हमें कुछ देना नहीं है इनको. देन उसको हम सेव करते हैं, यहाँ से रिफ्रेश. सो यहाँ पे सबमिट का एक बटन आ गया. ओके, देन हम आते हैं एक यहाँ से PHP का जो टैग है उसे कॉपी करते हैं और यहाँ पे एक BR का टैग लगा के यहाँ पे उसको पेस्ट कर देते हैं. देन PHP echo echo में आके हम उसे प्रोवाइड करते हैं, हम यहाँ पे कमांड टाइप करेंगे डॉलर अंडरस्कोर गेट, विच मीन्स चाहिए, क्या चाहिए, यूजर नेम. ओके, देन इसको सेव करते हैं.
वायरस, सो ये यहाँ पे आ गया। देन हम यहाँ पे एक कमांड इसको नॉर्मल टेस्ट देते हैं, माय इस माय नेम इज वायरस। अब इसको प्रोवाइड करते हैं, गया बात। ओके सो गोइंग नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड व्यू, हम यहाँ पर एक, सो हमने अपना नेम तो प्रिंट करा लिया, देन हम यहाँ पर अपनी एज प्रिंट कराते हैं। ओके देन इसको यहाँ से कॉपी कट करते हैं। ओके सो मूविंग फॉरवर्ड, हम यहाँ पर अपनी एज एज इनपुट टाइप नंबर, ओके देन नेम एज। ओके सो अगर हम इसे सेव करते हैं तो या तो रिफ्रेश, तो ये यहाँ पर आ रहा है, बट हमें ये यहाँ चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक बी आर का टैग यूज कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, इसे क्लोज कर देते हैं, क्लोज्ड, देन इसे सेव करते हैं, वापस क्रोम रिफ्रेश, सो एक सबमिट का बटन यहाँ आ गया, बट सबमिट का बटन तो नीचे आ गया बट एज नहीं आई, तो उसके लिए इसको भी सेव करते हैं, रिफ्रेश, सो ये आ गया, और एज के साथ ये कैलकुलेटर भी आ गया और नंबर जैसे हम कह सकते हैं। देन व्हाट वी हैव टू डू इज सिंपल कॉपी पेस्ट, यहाँ पर टाइप करते हैं एज माय एजेस। सो एज वी कैन सी नेम वायरस एज 13 27, माय नेम इज वायरस, माय एज इज 27। ओके बट हम यहाँ पर भी एक बी आर का टैग यूज कर लेते हैं, विच इज लाइन ब्रेक, तो इसने एक्सेप्ट नहीं किया। ओके इसका रीज़न क्या है, बेसिकली इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे हमने पीएचपी की कमांड यूज़ की है, तो ये बी आर का टैग एक्सेप्ट नहीं करेगा, बट नो प्रॉब्लम, हम क्या करेंगे, फिर एक दफ़ा ट्राई करेंगे, कभी करता है कभी नहीं करता, हम रिफ्रेश करते हैं, सो इट्स डन। फारिस एज 16, माय नेम इज फारिस, माय एज 16। ओके सो यहाँ पर हमारे पास ये रेडी हो गया। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड होप सो यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब ओमनी अकेडमी, ओमनी अकेडमी इज द बेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर यू, थैंक यू सो मच।